To all the viewers of Bollywood Adda, I would like to say one thing. If you're not watching Bollywood Adda, you're not watching Bollywood. So keep watching Bollywood Adda. Hi, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल श्रीवास्तव. आप देख रहे हैं बॉलीवुड अड्डा. मैं चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने मुझ पर इतना प्यार और आशीर्वाद बनाया अभी तक, और हम चाहते हैं कि इस चैनल को भी थोड़ा अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए. ये गाना जो जोगीरा है, खास करके ये बहुत मशहूर और फेमस फोक है. तो हमने क्या किया है कि इसको हमने शुरुआत में जोगीरा रखा है, और इस गाने में हमने ये फोक यूज़ किया है जोगीरा. और साथ में हमने जो एक कहानी दिखाई है इस गाने में, एक लड़की के ऊपर, कि लड़की एक सुबह उठती है और रात तक क्या करती है और किस तरीके से करती है, हमने ये गाना ऐसा किया. अच्छा, तो बेसिकली जैसे जोगीरा, मतलब आपका मतलब दिमाग में आया कैसे जोगीरा पे गाना बनाना है, कैसे क्या है? मतलब बचपन में मैं छोटा था, तो जब भी मैं गांव में जाता था तो होली वगैरह पे, तो ये बड़ा हमारे ताऊ जी गाते थे, तो मैं भी उनके साथ गुनगुनाता था. तो ये बचपन से मेरे जहन में था कि मैं कुछ अलग हट के करूँ, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने गाने किए हैं, लव सॉन्ग किए हैं, लेकिन मैंने अब थोड़ा सा मैंने सोचा कि अपने दर्शकों के लिए, दर्शक मुझे इतना प्यार देते हैं, उनके लिए कुछ नया करूँ, जिससे कि मेरे दर्शक और मुझे और उनके मतलब दिल में मेरे लिए. हालांकि मैं सुनने में आ रहा है कि जैसे आपका गाना, जैसे मुंबई का बहुत मशहूर प्रोडक्शन हाउस कर रहा है फार बेटर फिल्म्स, और ये गाने को प्रेजेंट कर रही है परिंदा एंटरटेनमेंट, उनके बारे में कैसा क्या कहना है आपका, किस टाइम? परिंदा एंटरटेनमेंट के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरा सपोर्ट किया उन्होंने मेरे इस गाने को, और प्रोडक्शन का मैं इतना ही कहना चाहूँगा, खास करके उनके जो डायरेक्टर हैं जयंत जी के बारे में, क्या जयंत जायसवाल जी जो मतलब फार बेटर फिल्म के सीईओ हैं. जी जी जी, उनके लिए मैं जयंत साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी इतनी बड़ी टीम इस मेरे गाने को कर रही है और इतने बड़े स्टूडियो में कर रही है, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरी प्रोडक्शन टीम का. हालांकि कुछ जैसे रिलीज डेट अनाउंस करना चाहेंगे, आपको पता है मतलब कब आ रहा है, कुछ कैसे क्या मतलब? सर अभी तो आपको पता है कि अपन शूट कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं अभी, अभी तो नहीं कह सकते हैं रिलीजिंग डेट, लेकिन बहुत जल्दी होगा इसका टीजर लॉन्च, और बहुत जल्दी दर्शकों को देखने को कुछ नया मिलेगा और नया सुनने को मिलेगा. मतलब गाने की कुछ ऐसी टैगलाइन जो अगर आप दर्शकों को बता सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि टीजर में ही? हाँ, वो टीजर में ही जाएगा. देखो, आप भी समझते हैं कि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, कि बाकी का जब जोगीरा नाम है गाने का तो समझो उसका गाना कैसा. मतलब आपकी जैसे हमने जर्नी देखी, जैसे आपने एक्स फैक्टर से अपनी शुरुआत की और अब तक जैसे इस मुकाम पे आप पहुंचे, तो इसमें कैसा क्या लग रहा है? मतलब मतलब एक अलग ही, ये तो चमत्कार वाली बात है ना. मतलब जैसे आपकी हमने जो लाइफ हिस्ट्री देखी, जैसे आपके जो इनिशियल आपके करियर स्टार्टअप है, कैसे गया है, बहुत ही छोटे मतलब एक जगह से आपने स्टार्ट किया, शुरुआत की, आज इस जगह पे एक मुकाम पे पहुंचे हो. हां, मैंने कभी मतलब अपने मैं सपना देखा था कि मेरे को प्लेबैक सिंगर बनना है, इंडस्ट्री में काम करना है, लेकिन उस टाइम मैं साइकिल रिक्शा चलाता था, फिर ऑटो रिक्शा चलाया, बहुत सारे काम किए. आदमी तो हर कोई मेहनत करता, मैंने अकेले. हमने आपके बारे में सुना जैसे ऑटो रिक्शा चलाते, ऑटो रिक्शा चलाने से लेकर आज तक की आपकी जर्नी काफी अच्छी रही, और आपने एक्स फैक्टर में भी काम किया. जी जी, एक्स फैक्टर में काम करके आपको कैसा लगा, किन किन लोगों से आप मिले? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ एक्स फैक्टर को, चैनल को, और दादा सतीश दस साहब एंड मेरे भाऊजी मुकेश परमार जी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और सोनू जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ. सोनू जी मुझे आज तक सपोर्ट करते हैं, श्रेया दी, संजय जी, बहुत सब मतलब मेरे को इतना प्यार दिया चैनल में, इतना दूर तक मेरे को लेके गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं अपने आप को स्टार समझता हूँ. उस शो पे मैं विनर नहीं था, लेकिन फिर भी दर्शकों ने बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है एक्स फैक्टर आपके लाइफ का. जी 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 जी, आज आपको बहुत बड़ा मतलब ऐसे एक पड़ाव मिल गया है कि मतलब जिससे आपको एक प्लेटफॉर्म अच्छा सा मिल गया बहुत ज्यादा. वो एक्स फैक्टर की वजह से तो आज मुझे दुनिया में लोग जानते हैं ना, आज वो उसका तो नाम पहले ही आएगा ना भाई. जोगीरा के बाद आने वाले समय में कुछ और प्लानिंग्स आपकी कैसी? हाँ, जोगीरा ये शूट खत्म होते ही हमारा प्लानिंग है कि जोगीरा के बाद एक हम एक ऐसा गाना कर रहे हैं, ये इस गाने के बाद थोड़ा सा कुछ और अलग हटके कर रहा हूँ. ये गाना रिलीज हो जाने के बाद हम उसके फिर हमारा शूटिंग. हालांकि हम सोच रहे हैं जैसे आपके जॉनर से पूरा कम्प्लीट आप एक जैसे इनोवेटिव तरीके से आपकी शूट हो रही है, जो भी ये चीजें मतलब काफी महत्वपूर्ण तरीके से मतलब बहुत सारी नई चीजें हैं जिसमें आपकी लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली चेंज कर दी है वीडियो जी, में. जी जी जी, तो आपको हालांकि कैसे मैसेज हो रहा है, किस वजह से आप सोच रहे हैं, मतलब थोड़ा आपको दिक्कत सी तो नहीं आ रही मतलब शूट करने में? हाँ, थोड़ा क्या है कि वो हेयर स्टाइल वगैरह कभी मैंने रखा नहीं, आप तो पता है मैं नॉर्मल हेयर स्टाइल रखता हूँ, और तो दादा जो हमारे दादा है हिमांशु दादा है, तो वो बोले कि नहीं विशाल, हेयर स्टाइल फंकी, बोले तो गाना ऐसा है तो फंकी मांगता है, तो
तो थोड़ा क्या है कि मेरे को भी लगता है कि शायद जो ऑडियंस है, जो आज का यूथ है, वो भी चाहता है कि मैं इस तरीके से, जो मेरे दर्शक हैं, मेरे दर्शक मुझे हर लुक में, हर उसमें पसंद करते हैं, तो मैं उनको नमस्कार प्रणाम धन्यवाद करता हूँ। बाकी का दर्शकों के लिए कुछ खास बात कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए, अपने फैंस के लिए? मैं जितने मेरे फैंस हैं और जितने दर्शक हैं, मुझे जो देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपना ब्लेसिंग और अपना आशीर्वाद आपने शुरू से मेरे पे बना के रखा है, ऐसे हमेशा बनाए रखिएगा। जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और सपोर्टर्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सपोर्टर के बगैर एक आर्टिस्ट पॉसिबल नहीं है। और थैंक्स परिंदा एंटरटेनमेंट एंड फायर बेटर फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खास करके रॉकी भाई और जैन साहब तो हैं, तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिल्म्स के साथ विशाल जी का ये पहला एसोसिएशन है, और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विशाल को एक अलग इमेज, एक अलग पर्सनालिटी के साथ दिखाए। और विशाल की जो एक ऑडियंस है, जो कि बहुत ही देसी ऑडियंस है और बहुत ही यू नो अर्दी और बहुत एक दो प्रांतों को बिलीव करते हैं और बिलोंग करते हैं, हम उसको चेंज करके उसकी रीच पूरे देश के लिए बनाना चाहते हैं। इस वजह से ये एक थोड़ा पाथ ब्रेकिंग है विशाल के लिए। हमारा वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड है, विशाल के लिए एक नया अवतार है। सो बहुत सारी कोशिश है, और फार बेटर की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि परिंदा एंटरटेनमेंट को एसोसिएशन में रख के हम ऐसा कुछ करें जिससे विशाल को एक नई आइडेंटिटी मिले और एक अच्छा वीडियो क्रिएट हो सके। बहुत डिफरेंट है जोगीरा जो टाइटल है, एक्चुअली द फर्स्ट पिच ऑफ द सॉन्ग इज़ सारा रारा, बट सारा रारा क्योंकि बहुत बार हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि हम जोगीरा को प्रमोट करें, और जोगीरा को हम विशाल की एक स्टेज नेम की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो आप जब गाना देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विशाल के लिए बहुत ही डिफरेंट है ये, और हो सकता है कि विशाल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी हो उनके करियर के लिए। बहुत विशाल बहुत ही हम्बल और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग आर्टिस्ट है। विशाल को अगर आप कोई समझाओ तो इट्स लाइक आप एम्प्टी ग्लास में फिल कर रहे हो पानी। ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस वाली बात नहीं है, आप उनको थोड़ा समझाओ तो वो समझते हैं। और क्योंकि बहुत डिफरेंट काम है और उनके लिए बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी थी जो विशाल से हमको मिल रही है सो फार। एंड आई होप विशाल बाय द एंड ऑफ द डे विशाल से हमें जो चाहिए वो हमको मिले। जी क्या है कि देखिए ऑब्वियसली अगर कुछ डिफरेंट होता है तो उसके लिए उसको सही करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है देन यू हैव टू गिव इट टाइम। तो वी डिड सम रिहर्सल विद विशाल, वी डिड सम रिहर्सल विद अदर डांसर्स एंड एवरीथिंग। सो विशाल ने काफ़ी प्रैक्टिस की है, लेट्स सी हाउ ही पुल्स इट ऑफ। या गाना मतलब एटलीस्ट फार बेटर फिल्म्स का कंट्रीब्यूशन तो ये है कि गाने को इफ़ द सॉन्ग्स कंट्रीब्यूशन इन द वीडियो वाज 50% शुड कम फ्रॉम द वीडियो एटलीस्ट, और एक्चुअली हम उससे ज़्यादा ही कोशिश करेंगे। सो द वीडियो शुड यू नो कॉम्पनसेट द सॉन्ग इन एवरी वे विच इज़ पॉसिबल। फार बेटर फिल्म्स ने इससे पहले काफ़ी वीडियो शूट किए हैं, बट द काइंड ऑफ वीडियोज़ जो हमने शूट किए हैं वो सेलिब्रिटी वीडियोज़ हैं। फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम प्रोफेशनल सिंगर के साथ शूट कर रहे हैं, सो इट्स अ डिफरेंट वे, इट्स अ प्रॉपर म्यूजिक वीडियो। आवर अर्लियर सॉन्ग्स हैड कॉन्सेप्ट्स वेयर देर वॉज अ लॉट ऑफ स्टोरी एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ डेप्थ, दिस इज़ मोर ऑफ अ ग्लैमरस एंड मोर ऑफ अ टिपिकल म्यूजिक वीडियो लाइन्स, बट फिर भी इसमें कई एंगल्स ऐसे हैं
जो शायद उन्हीं वीडियोस में मिलेंगे जो आपको फार बेटर शूट करके दे। मैं ये कहूँगा कि फार बेटर फिल्म्स के साथ विशाल के एसोसिएशन की वजह से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आ रहा है, क्योंकि फार बेटर का एक बेसिकली फार बेटर का अपना जो प्लेटफॉर्म है वो एक्स फैक्टर से कम नहीं है। मतलब क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है विच इज़ कॉल्ड रॉकबाइट, जो फार बेटर की तरफ से आया है, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि हम फ्रेश टैलेंट को एक एक मीडियम दे, एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो अपनी अपनी किसी भी खूबियों को, अपनी टैलेंट्स को शोकेस कर सके। तो इस मुहिम की ये एक छोटी सी कड़ी है, और जैसे एक्स फैक्टर में विशाल को चांस मिला और उन्होंने काफ़ी चीज़ों को कन्वर्ट किया, शायद बहुत सारे लोग रॉकबाइट के थ्रू इस वीडियो से इंस्पायर होके फार बेटर के साथ वो कर सके और बहुत सारे लोगों को मौका मिल सके। रॉकबाइट एक एंटरटेनमेंट वीडियो एप्लीकेशन है। रॉकबाइट स्मॉल टाइम एंटरटेनमेंट की एक कैटेगरी को अनर्थ कर रहा है, एक नई कैटेगरी को ला रहा है मार्केट में, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया है। आप दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, उनके पास कंटेंट है या तो वो अपने जो GEC प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं। हमारा कंटेंट एक्सक्लूसिव है, हमारा कंटेंट स्मॉल टाइम है, यानी आपको कोई भी वीडियो मैक्सिमम 6 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा ऑन रॉकबाइट। एंड बहुत ही सुलझी हुई तरीके से डिफरेंट और स्पेसिफिक कैटेगरीज में वो डिवाइडेड है। दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। द अदर पार्ट इज़ वेयर रॉकबाइट पे यूज़र कैन अपलोड देयर ओन वीडियोज, द यूज़र कैन अपलोड देयर ओन टैलेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टैलेंट यू हैव, वेदर यू डील विद कार्ड, वेदर यू आर अ मैजिशियन, वेदर यू आर अ सिंगर, यू आर अ डांसर, वेदर यू आर अ कॉमेडियन, व्हाटएवर यू डू, आपके टैलेंट को आप आज हर कोई बॉम्बे नहीं आ सकता, हर कोई दिल्ली नहीं आ सकता, बट आप अपने टैलेंट को किसी भी तरह एक मोबाइल से 5 मिनट का वीडियो बना के रॉकबाइट के एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकते हैं। और क्योंकि हम मीडिया को बिलोंग करते हैं, हम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, उसका प्रीव्यू एक सेट ऑफ क्रिएटिव पीपल हैं इंडस्ट्री के, उनको है, और साइमल्टेनियसली उसकी बहुत बड़ी प्रमोशंस हैं जो इंडस्ट्री के थ्रू हो रही है, तो आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। रॉकबाइट एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप आजकल के दौर में आप किसी को विश करना भूल जाते हो, आप कई बार आप अपने भाई बहनों को विश करना भूल जाते हो। रॉकबाइट एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप एक बार अपने सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को, भाई बहनों को, सबके लिए आप विशेस अपलोड करो और उनकी ईमेल आईडीज के साथ डाल दो रॉकबाइट पर। रॉकबाइट उनको वो ईमेल आईडी पर वो वीडियो रॉकबाइट्स के थ्रू पहुंचा देगा, और आपको पूरे साल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, हैप्पी न्यू ईयर कुछ भी मिस करने वाले हो। सो दीज आर जस्ट 2-3 थिंग्स फॉर रॉकबाइट। आप इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको अगर आप रॉकबाइट यूज़ कर रहे हो तो आपको बाकी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आपके ट्विटर के फ्रेंड, FB के फ्रेंड, गूगल के फ्रेंड, हर जगह के फ्रेंड्स को आप एक्यूमुलेट करके यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो। फार बेटर फिल्म अभी वी जस्ट स्टार्टेड अ ईयर बैक। अभी तक हमने काफ़ी इवेंट्स वगैरह किए हैं, हमने काफ़ी वीडियो शूट किए हैं, हमने रॉकबाइट को सेमी लॉन्च किया है। रॉकबाइट की प्रॉपर लॉन्चिंग अभी होनी बाकी है, रॉकबाइट का अच्छा वर्जन आना बाकी है। साइमल्टेनियसली अभी हमने एक इवेंट किया है लंदन में, हमारा एक और 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं जो लंदन में आने वाले हैं UK में। इसके अलावा इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, जिसमें से एक ये वीडियो है और ऐसे कई वीडियोज़ आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू। जब मैंने पहली बार सुना तो जैसे ही गाना बज रहा था, एक ग्रूव सा मेरे बॉडी में हो रहा था, मेरी बॉडी भी ग्रूव कर रही थी रिदम के साथ। तो
ये जो जोगीरा वर्ड आया तो उस पर एक स्माइल सी आई मेरे चेहरे पे ना, जोगीरा सारा रारा बोला, ये मुझे उस ज़माने में ले गया जब अपने दिलेर पाजी गाते थे तुनुक 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 तारारा, तो उसके जो जोन में जो जब गया गाना तो मज़ा आने लगा। मैंने बोला कि ये कैची सॉन्ग है, इसको हम एक जो सिंपल सा एक हुक स्टेप होता है जो हर बच्चा और हर बुज़ुर्ग आदमी भी कर सकता है, उस हिसाब से उसका हुक स्टेप क्रिएट किया हमने, और बहुत ही अच्छे से श्रीवास्तव जी ने इस पर किया हुआ है। जब हमने कोरियोग्राफ किया, उनको सिखाया, इतनी प्रैक्टिस की इतने दिन डांसर्स के साथ, तो जो रिज़ल्ट आया है वो आप शायद वीडियो आएगा तो आपको देखने मिलेगा। सच्ची बात बताओ तो ये जब गाना जब बेहतर होता है हमारे लिए एज कोरियोग्राफर्स, तो अपने आप बॉडी से रिदम के साथ मूवमेंट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, और जब तुम्हारी बॉडी से मूवमेंट निकले मतलब ये चीज़ आपकी कोई भी कर सकने वाला है, कोई भी कर सकता है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। बट हाँ, मैंने एम्फसाइज किया है डांसर्स के ऊपर, जो डांस के इंटरकट्स जाने वाले हार्डकोर डांसिंग इसके अंदर आपको देखने मिलेगा विद हमारे यहाँ के डांसर्स के साथ, और अपने जो क्या नाम है इनका, विशाल जी, अपने जो विशाल जी है इन, ये आपको देखेंगे बहुत ही ग्लैमराइज्ड रूप में एक बड़ी सी लंबी BMW, वाइट BMW में से उतर रहे, सामने लड़की स्पोर्ट्स डर्ट बाइक पे आ रही है, तो ये सारे ग्लैमराइज शॉट्स और ग्लैमर के साथ आपको इस वक्त देखने मिलेंगे। विशाल जो फार बेटर फिल्म्स है, ये कंपनी का ये ज़रूरी एक मतलब पहला वीडियो है जो बहुत इतने बड़े स्केल पे जा रहा है, तो मैंने इनके साथ पहले भी काम किया हुआ है, और मतलब बहुत ही कूल और सुलझे हुए प्रोडक्शन के जो टीम पूरी संभालते हैं, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन है जयहिंद जायसवाल, और इनके साथ तो मतलब हम जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही है। देखिए यहाँ पे भी है तो हमारे साथ है, तो हमारी बहुत दोस्ती मतलब बहुत पहले से, और इसके वजह से हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं काम करने के टाइम। बट हाँ, जब काम की बात आती है तो मैं कोरियोग्राफर हूँ, ही इज़ माई प्रोड्यूसर, ही इज़ माई डायरेक्टर, एंड ही मेक्स श्योर कि हर चीज़ बराबर हो, टाइम पे हो, टाइम से पहले हो जाए तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी शूट कर सकें और उसको बहुत ही बेहतरीन बना सकें।